Hi friends, today we are going to solve NSO quiz number 5. Let us see the first question, tick the correct answer. In that the first one is, which of the labeled part of water hyacinth is adapted for floating? This is the image. As you can see, there are different parts of this water hyacinth that they have shown and labeled it as P, Q, R and S. Matlab, hame pata nahi hai ki ye part कौन से है, उन्होंने जानबूझकर इनके नाम नहीं दिए। ऑप्शंस देखते हैं क्या है, क्यू पी एस आर। तो इसमें से कौन से पार्ट उसे फ्लोट करने के लिए मदद करते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ रूट है, यहाँ लीफ है, ठीक है। तो इनमें से कौन से पार्ट उसे हेल्प करते हैं वो हमें जानना है, ठीक है बच्चों। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप, क्वेश्चन का आंसर है आर, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर है आर, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, लीफ जैसा पार्ट दिख रहा है, तो ये पार्ट जो है वो उसे फ्लोट करने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रास हॉपर्स इन अ गार्डन आफ्टर द अराइवल ऑफ बुलबुल। सो ग्रास हॉपर्स पॉपुलेशन will be affected by the arrival of bulbul. How it will be affected? कैसे affect होगा बुलबुल का ग्रास हॉपर्स पे, उसके population पे, ये हमें पहचानना है। Option क्या है? तो ये अलग अलग options है, P, Q, R, S, ठीक है। यहाँ पर भी options दिए हैं, P, Q, R, S। हमें क्या जानना है, इसमें से बुलबुल के वजह से ग्रास हॉपर्स की population पे किस तरह से असर होगा, इस ग्राफ को हमें जानना है। जैसे कि ये यहाँ पे ग्रास हॉपर्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे पहले बढ़ेगा बाद में कम होगा, कांस्टेंट रहेगा, और एस क्या बतलाता है, ये कम होगा, ठीक है। तो आपका समय चालू होता है अब। टाइम अप स्टूडेंट्स, द आंसर इज एस, ठीक है, मतलब ग्रास हॉपर्स का पॉपुलेशन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि बुलबुल के वजह से क्या होगा, बुलबुल ग्रास हॉपर्स को खाती है, तो ग्रास हॉपर्स का पॉपुलेशन कम होगा, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, द गिवन डायग्राम शोज अ स्क्रू ड्राइवर, देखो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है आपको, यूज एज अ सिंपल मशीन ए एंड बी, मतलब अलग अलग तरीके से यूज रहा है। यहाँ पे हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, तो जो स्क्रू है उसे ड्रिल करने के लिए या उसे अंदर डालने के लिए, और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का यूज कैसे हो रहा है, तो वो ढक्कन निकालने के लिए। तो यूज के हिसाब से, यूज के हिसाब से सिंपल मशीन के टाइप में भी बदल हो जाता है। तो ऑप्शंस क्या है, ए है पुली, बी है लीवर, या फिर ए व्हील एंड एक्सल, बी लीवर है, ए लीवर, बी व्हील एंड एक्सल, या ए व्हील एंड एक्सल और बी पुली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानना है कि इसमें से सिंपल मशीन का टाइप कौन सा है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप स्टूडेंट्स, आंसर क्या है, व्हील एंड एक्सेल और लीवर, मतलब ए क्या है, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर व्हील एंड एक्सेल की तरह काम कर रहा है, और बी में स्क्रू ड्राइवर लीवर की तरह काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ, अ फीमेल कॉकरोच लेज इट्स एग इन केस इन डार्क एंड सेफ प्लेस, ईच केस हैज ओनली वन एग, ईच एग हैचेस इनटू यंग कॉकरोच called caterpillar, it looks like an adult cockroach but is smaller and does not have wings, the young cockroach sheds skin several times before it becomes an adult, this shedding of skin is called X, okay। अभी ये एक passage है, ये एक case study दिया है, हमें इससे जानना है कि incorrect कौन सा है, what is the incorrect in the above passage, इसमें से कुछ चीजें incorrect दी है। तो पहला option है, a female cockroach lays its eggs in a case, ये गलत बात है, या फिर ईच केस हैज इट्स ओन ओनली वन एग, या फिर ईच एग हैचेस इनटू यंग कॉकरोच कॉल्ड कैटरपिलर, ये गलत है क्या? बोथ बी एंड सी आर रॉन्ग। तो ए बी सी और डी में से हमें सही जवाब चुनना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप स्टूडेंट्स, सही जवाब है बोथ बी एंड सी, मतलब ईच केस हैज ओनली वन एग, नहीं होता, कॉकरोच में ढेर सारे एग्स होते हैं, और एग से जो निकला हुआ छोटा कॉकरोच होता है उसे कैटरपिलर नहीं कहते, तो ये गलत बातें हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज एक्स, मेटामॉर्फोसिस, हैचिंग, मोल्टिंग या इनक्यूबेशन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप स्टूडेंट्स, सही जवाब है
मोल्टिंग। मोल्टिंग मतलब क्या होता है, शेड्स द स्किन, मतलब जो स्किन निकलना होता है उससे हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क, जो भी आपके मन में सवाल है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, सी यू ड्यूरिंग नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।